स्वागत है आपका ज्ञापन अकेडमी के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 का हिंदी दिगंत भाग 2 का काव्य खंड का 5 लेसन है। बहुत ही शानदार है, इसमें आप देखते इतना कहानी मज़ेदार इसमें पूरा का पूरा इसमें छिपा हुआ है कि आपके सुनते ही बहुत मतलब मज़ा ले के रोचक कहानियाँ भरी पड़ी है इस 5 लेसन में, जिसका नाम है क्या, कविद। बहुत शानदार है। उससे पहले आप एक कहानी याद कीजिए। मान लीजिए कि सुबह में जितना बोल रहे हैं उतना कीजिए, ऑब्जेक्टिव आपको याद हो जाएगा। सुबह में आप नहा धोवा करके, नहाते धोते तो होंगे ही, नहा धोवा करके और आप एक कविता लिखेंगे और कविता को भाषण के रूप में देंगे, सबको सुनाएंगे। सबसे पहले एक संस्कारी लड़का की तरह, एक संस्कारी छात्र की तरह, आप संस्कारी तो होंगे ही ना, ठीक है, संस्कारी छात्र की तरह सुबह में नहा धोवा करके और नहा तिलक लगा करके, अगर तिलक नहीं लगाते हैं तो भी कोई बात नहीं, बस तिलक याद रखिएगा, ठीक है, तिलक लगा करके और अपने कविता को भाषण के रूप में आप देंगे। क्या करेंगे, अपने कविता को सबके सामने स्पीच समझते हैं ना, स्पीच के रूप में देना है। याद रखिएगा ये पूरा जो हम कहानी इतना बताए कि सुबह में नहाना है और नहाने के बाद क्या करना, अपने कविता को भाषण के रूप में देना है। क्या लगा के, तिलक लगा करके, इससे कुछ आपको याद हो जाएगा। यहां समझिएगा, भाषण यानी भूषण जो है, यहां पे भूषण जो व्यक्ति है, इन्होंने क्या लिखा है, कविता लिखा है, यानी कविता को आप क्या देंगे, भाषण के रूप में देंगे। कविता को क्या करेंगे, भाषण के रूप में देंगे। अब समझिएगा, एक लेखक है जिनका नाम है भूषण, और ये इनका ओरिजिनल नाम नहीं है, ये तो इतना अच्छा कविता लिखते थे कि एक राजा थे चित्रकूट के राजा, चित्रकूट मत समझिएगा, ठीक है, चित्रकूट के राजा सोलंकी वंश के थे। वंश समझते ना, जैसे मौर्य वंश हो गया, मगध हो गया, ये सब, सॉरी मगध नहीं, मौर्य वंश हो गया, उसके बाद से चालुक्य वंश हो गया, बहुत सारा वंश है। तो वही बात है, चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह ने इनका नाम दिया था भूषण। याद रखिए इनका ओरिजिनल नाम अभी अज्ञात है, नहीं पता है। अब समझिए इनका जन्म, जन्म कैसे याद रखिएगा, यहां देखिए 16-13 में जन्म हुआ था, 16 से 13 में, 17-15 में क्या हो गया था, इनकी मृत्यु हो गई थी। 16-13, तो 16 के बाद यहाँ 17 है, लेकिन यहाँ 13 के बाद 14 ना देके क्या दे दिया है, 15। तो आप याद रखिएगा 16-13, इसमें 3 का अंतर है और इसमें कितना का अंतर है, 2 का अंतर है। 16-13 में जन्म हुआ और 17-15 में मृत्यु हो गई। अब आप खुद बोलिए और कमेंट में कीजिए कि इनका जन्म कब हुआ था, भूषण का जन्म कब हुआ था, यानी जो कवि भूषण है, तो लिखिएगा 16-13, यानी पहले बड़ा वाला रहा फिर छोटा वाला रहा है, और इधर क्या रहा है, 16 के बाद 17 लिखेगा, तो 17-15 में इनकी क्या हो गई है, मृत्यु हो गई है, याद रखिएगा। और टीका लगा के बोले थे ना, यहां देखिए तिलक लगा करके, इनका जन्म यहां पे टिकवा लिखा है ना, टिकवापुर में हुआ था, टिकवापुर में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। टिकवापुर कहां है, कानपुर उत्तर प्रदेश में है, यूपी में है, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए, और वैसे भी यूपी में आपको पता है ना कौन है, और वो सबसे ज़्यादा क्या देते हैं, भाषण ही देते हैं ना, स्पीच ही देते हैं, डेवलपमेंट तो कुछ है नहीं। यहाँ देखिए, पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी, इनका नाम भूषण, पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी, ये रीति काल के कवि थे। आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, अब रीति काल क्या होता है, समझिएगा, इस काल में, रीति काल में सिर्फ श्रृंगार रस पर सभी जितना भी कवि थे, अरे हर बार मतलब क्या होता है, हर बार एक जमाना ऐसा आता है, वह जाता है कि बूढ़ऊ लोगों का जमाना है, इन नौजवानों का जमाना है, अब कुछ अलग होगा, वैसे ही रीति काल एक समय है, और इस समय में सिर्फ श्रृंगार रस पर ही लिखा जाता है, कोई भी कविता हो, कोई भी काव्य हो, श्रृंगार रस, श्रृंगार रस का मतलब नायक और नायिका, प्रेम कहानी सबसे ज़्यादा लिखी जाती थी रीति काल में, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, उस समय के ये भी कवि हैं, लेकिन ये देखो श्रृंगार रस को छोड़ के, अच्छा छोड़ दिए क्या, इन्होंने पहली बार वीर रस पर लिखा है, किस पर लिखा है, वीर रस, यानी कि हीरो हीरोइन के बारे में नहीं लिखे, ये पता है, वीर रस, जितने उस समय के वीर लोग थे उनके बारे में ये कविता लिखा गया है, समझ में आया, कवित जो लिखा गया है श्रृंगार रस के बारे में ना लिख करके वीर रस के बारे में। अब जो भी लोग भाषण देते हैं काफी ज्ञानी होंगे तो कहा हीरो हीरोइन के चक्कर में लगेंगे, है ना जी, वो किसके, वीरता के बारे में, और ये दो व्यक्तियों के बारे में लिखे हैं। वो दो व्यक्तियों के बारे में क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये जो भूषण जी हैं, भूषण जी जब इधर उधर घूम रहे थे, समझिएगा ध्यान से, तो उनको दो राजाओं ने आश्रय दिया था कि आइए मेरे यहाँ रहिए, तो जिनके यहाँ ये जाएंगे उनसे आप बताइए कि उनके बारे में जानेंगे कि नहीं। तो दो व्यक्ति, एक शिवाजी के बारे में, ठीक है, और एक छत्रसाल के बारे में, रख लीजिएगा, राजा छत्रसाल बुंदेलखंड का, बुंदेलखंड की एक और महारानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, झांसी वाली रानी थी, याद है ना, वही। तो एक चीज याद रखिएगा, ये शिवाजी के बारे में और छत्रसाल के बारे में लिखे हैं, ठीक है, क्योंकि यहां पे देखिए इनको आश्रयदाता यानी कि घर, यानी कि घर पे बुला करके अपने यहाँ रखे थे, कौन, छत्रपति शिवाजी और इनके बेटा साहू जी भी, ठीक है, ये लोग रखे थे, और बुंदेल के राजा छत्रसाल,
ठीक है, इन्होंने क्या दिया था, आश्रयदाता, यानी कि इनको घर दिया था, यानी कि अपने यहाँ बुला करके रखे थे। इसीलिए शिवाजी के वीरता के बारे में पहला पैराग्राफ में है और दूसरा पैराग्राफ में आपको छत्रसाल के बारे में है, ठीक है, शिवाजी क्या क्या किए हैं, शिवाजी को देख करके किस तरह दुश्मन भाग जाते थे, और छत्रसाल जैसे ही तलवार निकालते थे छत्रसाल, दुश्मनों का हालत खराब हो जाता, पुंगी बन जाती थी, ठीक है, उसी के बारे में जानना है। अब देखिए, इसीलिए इनकी कृतियाँ दो ही आदमी के बारे में, शिवराज भूषण, इनका कृति का नाम है शिवराज भूषण, और इस शिवराज भूषण 384 छंद है, छंद का मतलब समझते हैं आप, 384 छंद है और 105 अलंकार है, माने सज अलंकार का मतलब एक यहाँ पे आपको दिख रहा है एक कविता जैसा, और इसे खूब अच्छा से अगर सजा के लिखें ना तो उसी को अलंकार कहते हैं, किसी चीज़ को सजा के लिखना। अब हम लिखे राम लड़का अच्छा है, अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है, लेकिन वही लिखे राम अच्छा लड़का है, सजा के लिख देना, यही अलंकार है, ठीक है, सजा के लिखना। अब देखिए इन्होंने क्या लिखा है, शिवराज, जहाँ भी शिव की बात आएगी और छत्रसाल की बात आएगी डायरेक्ट मारिएगा भूषण जी ने बोला था, ठीक है, ये याद रखिए। शिवराज भूषण, इन्होंने 384 छंद लिखे और 105 अलंकार लिखे, उन और इसमें किस चीज के बारे में, शिवाजी के प्रशस्ति बखान, यानी शिवाजी के जितना भी प्रगति है, जितना भी विकास हो रहा है उनके बारे में, और शिवाजी के वीरता का बखान किए हैं, किसमें, शिवराज भूषण में। अब शिवराज भूषण, भूषण जी द्वारा एक लिखा गया था शिवराज, इसीलिए इसकी तबीयत और इस कहानी का नाम रख दिए शिवराज भूषण। उसके बाद से शिवा वामनी, शिवा वामनी भी वही, अब बावनी यहाँ जो लिखा है ना, बावनी माने 52 लग रहा है ना, तो बावनी कितना है, 52 मुक्तकों से लिखा गया है, जो शिवाजी के वीरता का बखान ये भी करता है, तो दोनों में शिवा है, शिवराज और शिवा, और इन दोनों में शिवाजी का बखान है। अब यहाँ देखिए बाबू, छत्रसाल दशक, दशक ने 10 छंद लिखे हैं, 10 छंदों में लिखा गया और छत्रसाल के वीरता का बखान है, छत्रसाल के तलवार का बड़ा तारीफ किया गया, जब ये तलवार निकालते हैं ना म्यान से इतना चमकता है कि दुश्मनों की खून की प्यासी हो जाती है, छत्रसाल का तलवार, ठीक है। अब देखिए इन्होंने भाषण लिखा है, वही बात है, भूषण ने भाषण लिखा है, इन्होंने क्या लिखा था यहाँ पे, उल्लास लिखा है, दूषण उल्लास, ये अलग अलग चीज़ें लिखी हैं, ये आपको कुछ जानना नहीं है। इस पाठ में किस चीज़ का बखान है, ये पाठ में छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल के तलवार की बखान है। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि भूषण जी का जन्म कब हुआ था, तो याद है आपको पहले 16 से शुरू किए थे, 16 से 13, यानी 1613 में हुआ था, और 16 के बाद 17 आता है ना, तो 1715 में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो तिलक से कुछ याद आ रहा है, तिलक से आपको याद आ रहा है, तिलक यहाँ पे टिकवापुर, यानी टीका लगाए ना, तो टिकवापुर हो जाएगा, ये आपको समझ में आया होगा। अब इनके लिखे कविता जो कि शिवाजी के बारे में है, कि आखिरकार शिवाजी के बल की तुलना किससे किससे की गई है, ये आपको क्वेश्चन में भी पूछा जाएगा, और ऑब्जेक्टिव हम आपको बीच बीच में कराते रहेंगे, पूछते रहेंगे कि शिवाजी की बल की तुलना यहाँ से यहाँ तक किया गया, यानी शिवाजी कितने बलशाली हैं, किन किन पर उनका कब्जा था, ठीक है, कितने ताकतवर थे, उनके ताकत के बारे में इसमें जिक्र किया गया है। यहाँ समझिएगा शिवाजी कितने ताकत थे, उतने ताकत थे जिस तरह, यहाँ देखिएगा अब हम आपको बता रहे हैं, इंद्र जिमी जम पर बढ़ाओ जिमी अम पर, पहले पढ़ दे रहे, थोड़ा सा आपको कठिन लगेगा, ठीक है, रावण अस्तम पर रघुकुल राज है, पवन वरिवाह पर शंभु रतिनाह पर, ज्यों सहस्त्र बाहु पर राम द्वी राज है, और दावा द्रुम दंड पर चीता मृग झुंड पर भूषण वितुंग पर जैसे मृग राज है, तेज तम अंश पर काना जिमी कंस पर, और यू मलेच्छ वंश पर से शिवराज है। नहीं समझ में आया, समझ में आएगा, इतना समझ गया ना कहीं किसी पर राज है तो इतना समझेगा, जिस तरह शिवाजी का राज किस तरह है, जिस तरह भगवान इंद्र का राज यम जम मतलब होता है यमराज पर है, यमराज इंद्र के बिना कुछ नहीं कर सकते हैं, इंद्र के बिना यमराज कुछ नहीं करता, जिस तरह इंद्र भगवान का राज किस पर है, यमराज पर है, ठीक है, वाड़ों का राज अम पर है। अब कहिएगा वाड़ों का मतलब क्या होता है, समुद्र की आग को वाड़ों कहते हैं, ज्वालामुखी देखे हैं आप, समझिएगा आग को पानी डाल के बुझा सकते हैं, लेकिन पता है ज्वालामुखी का आग कहाँ से निकलता है, पानी में से ही निकलता है, उसको बुझ जाना चाहिए ना, लेकिन वो नहीं बुझता है, तो समुद्र के नीचे का आग पानी उसको कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, पानी पर वो खुद राज करता है कि अरे पानी इधर हटो, साइड हटो, हमको निकलने दो, पानी साइड हो जाता है उस आग के डर से, यानी राज किसका है, वाड़ो यानी समुद्र के आग का है, ठीक है, वाड़ो का मतलब याद रखिए समुद्र का आग, और एक और का मतलब याद रखिएगा यहाँ जंगल का आग होता है ये वाला, ठीक है, यहाँ समझिएगा वाड़ा जो अम्ब पर, अम्ब माने होता है पानी, यानी जिस तरह समुद्र के आग का राज किसवर समुद्र के पानी पर होता है, भगवान इंद्र का यमराज पर होता है, और रावण पर रघुकुल राज, रघुकुल का राजा कौन है, राम है, राम का राज किस पर है, रावण पर है, देखे थे अब उनकी बीबी को यानी कि राम की पत्नी सीता को रावण चुरा के लेके चला गया था,
बड़ी मार मारे थे, पूरा खानदान साफ कर दिए थे, है कि नहीं। उसी तरह रघुकुल राज है, रावण के स्तंभ पर, रावण के घमंड वगैरह पर किसका राज है? राम का राज है, ठीक है। पौन परिवाह पर, पौन का राज बादल पर है। बादल देखे हैं, पौन, पौन जिधर कहता है उधर बादल चलता है, नहीं, पौन माने हवा होता है, यानी हवा जहाँ कहता है बादल को वहाँ लेके चलता है। चलो 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 इधर चलना है, आज इस टोला बरसा लेते हैं, परसों उन्हें छोटका टोला बरसा लेंगे, उन्हें दाहिना टोला बरसा लेंगे, सब बरसा लेंगे। तो जिधर जिधर पवन कहता है उधर उधर बरिवा यानी बादल जाता है कि नहीं, तो वही बात है। पवन करा जिस तरह बादल पर है, जिधर कहता है पवन उधरे बादल जाता है। शंभु रतिनाह पर, शंभु यानी भगवान शंकर का राज रतिनाह पर है। रतिनाह एक व्यक्ति थे, ठीक है, रति के पति को रतिनाह कहा जाता है, ठीक है, यानी कि एक तरह से रति के पति, ये क्या है, इन पर राज है भगवान किसका, शंभु का। ज्यो सहस्त्र बाहु पर राम द्विराज है, सहस्त्र बाहु पर किसका राज है, राम, पशुराम। ये देखिए राम द्विराज का मतलब ये पशुराम है, कौन है, पशुराम का राज सहस्त्र बाहु पर है। सहस्त्र बाहु एक बहुत बलशाली राजा था, लेकिन पशुराम उसका जाके गर्दन काट दिए थे, यानी कि पशुराम का राज किस पर हो जाए, सहस्त्र बाहु पर, यह भी कमजोर था। सहस्त्र बाहु माने इसका सैकड़ों बाहें था, इसको वरदान में मिला था कि किसी को भी हरा सकता है, इसका बहुत सारा बाह वरदान में मिलता, लेकिन पशुराम ने जाकर के इनको मार दिया। पता है क्यों, क्योंकि पशुराम की माता को ये सहस्त्र बाहु परेशान किया था। एक गाय थी कामधेनु, कौन सी गाय थी, कामधेनु, अब ये ऐसी गाय थी जिससे जो भी वरदान मांगो दे दे दी। अब एक दिन सहस्त्र बाहु जा रहा था युद्ध से, तब तक पशुराम की माँ से उसकी मुलाकात हो गई, सहस्त्र बाहु से। सहस्त्र बाहु भूखा था और पशुराम की माँ के पास एक गाय थी, कामधेनु गाय, कामधेनु गाय से सब खाना पीना सभी मंगा ली, उसके पास ऐसी शक्ति थी ऐसा माना जाता है, ठीक है। और राजा को दी, राजा बहुत खुश हुआ कि छोट, ये सोच रहा था ये छोटा सा कुटिया है, छोटा सा घर है, इसमें इतना अच्छा खाना कहाँ से। तो जब ये सहस्त्र बाहु पूछा कि इतना अच्छा खाना कहाँ से आया, ठीक है, तो इनकी मम्मी पशुराम की माँ ने ये बताया कि हमारे पास एक गाय है जिससे जो भी वरदान मांगो वो दे देती है, और ये सहस्त्र बाहु जबरदस्ती इनकी माँ से छीन करके वो गाय लेकर के चला गया, बहुत क्रूर शासक था। उसी के दुख में ये जब देखे कि इनकी मार हो रही, तो पशुराम अपना जो तलवार टाइप का जो भी रखे थे, ठीक है, वो उठाए और जा करके सहस्त्र बाहु का गर्दन धड़ से अलग कर दिए। सहस्त्र बाहु को वरदान था लेकिन वो वरदान काम नहीं किया, क्योंकि जब बुरे का साथ दीजिएगा ना तो आपका भी दिमाग काम नहीं करेगा और इनका भी काम नहीं किया। तो उसी तरह सहस्त्र बाहु पर किसका राज हो गया, पशुराम का राज हो गया। यहाँ देखिए दावा द्रुम दंड पर, यानी कि जिस तरह आग का, यानी कि जो भी जंगल का आग होता है उस पर, जंगल पर किसका, आग का राज होता है। चीता मृग झुंड पर, और मृग माने होता है हिरण, हिरण एक झुंड पर रहता है उस पर कौन राज करता है, चीता। जब जाता है तब क्या करता है, जा करके और हिरण को मार देता है, यानी इसमें मेन कौन है, चीता राज कर रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए इसमें आग, इसमें चीता राज कर रहा है, इसमें पशुराम राज कर रहे हैं, इसमें पवन राज कर रहा है, किसी एक पर राज कर रहा है कि नहीं। ऐसे ही कभी ना कभी शिवराज यानी कि शिवाजी मलेच्छ वंश पर राज करते थे। ये भी देखिए यहाँ पे हुसन बितुंड पर जैसे मृगराज है, यहाँ समझिएगा हुसन बितुंड पर जैसे मृगराज है। मृगराज का मतलब होता है पशुओं का राजा, और वितुंड माने होता है हाथी, बड़े बड़े हाथियों के झुंड पर भी मृग का राज, मृगराज है, मृगराज माने पशुओं का राजा, और पशुओं का राजा शेर भी हो सकता है और बाघ भी हो सकता है। हाथी पर भी किसका राजा है, पशु का राज, पशुराज का राज है, ठीक है। तेजतम अंश पर कान्हा जिमी कंस पर, जिस तरह अंधकार पर तेज प्रकाश का अधिकार होता है, जब भी अंधकार हुआ तो अंधकार को एक ही व्यक्ति हटा सकता है और हरा सकता है, वो है प्रकाश। जिस तरह अंधकार को प्रकाश हटा सकता है, और जिस तरह भगवान कृष्ण किस पर राज करते हैं, कंस पर राज करते हैं, कंस उनके मामा थे, ठीक है, लेकिन फिर भी अपने मामा को मारना पड़ा कि नहीं, तो कंस बहुत क्रूर राजा था, ठीक है। तो कंस पर कान्हा का राज है, ठीक उसी प्रकार मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज का, यानी कि किसका राज है, शिवाजी का राज है। अब देखिए शिवाजी का कंपेयर देखिए किससे किससे क्या, शिवाजी किस तरह है, इधर कान्हा की तरह दिख रहे हैं, ठीक है, प्रकाश की तरह है, अंधकार पर प्रकाश का विजय, यानी कि यहाँ पे मृगराज पर, यहाँ पे चीता पर, यहाँ पे आग पर, जंगल के आग पर, यहाँ पे पशुराम पर, इससे कंपेयर किया गया है इतने लोगों से। उसी तरह जो शिवाजी हैं वो किस पर राज करते हैं, मलेच्छ वंश पर राज करते हैं, ठीक है। ये आपको पैराग्राफ समझ में आया होगा। अब इससे आपको ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, ठीक है,
कि शिवाजी की तुलना किन किन लोगों से किया गया, किन किन व्यक्तियों से किया गया है, तो इंद्र भगवान से किया गया है, पानी के यानी कि समुद्र के आग से कंपेयर किया गया है, यहाँ के रावण से किया गया है, बहुत सारा इसमें चीज़ें हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए थोड़ा सा इनके बारे में, तो ये आपको समझ में आया होगा। इसका अर्थ आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यहाँ देखिए ये तो और मज़ेदार है, समझिएगा यहाँ पे ये किनके बारे में जिक्र किया गया, ये छत्रसाल के बारे में जिक्र किया गया है। किनके बारे में, शिवाजी के बारे में हम लोग पढ़ लिए कि बाप रे कितना ताकतवर है, जिस तरह शेर राज करता है किस पर, मृग के झुंड पर यानी हिरण पर राज करता है, जब मन करे तब मार सकते हैं, जब मन करे कोई बात नहीं थोड़ा सा बड़े हो जाए बाद में मारेंगे, ठीक है। उस तरह से ये भी शिवाजी किस पर, मल्लेच्छ वंश पर राज करते हैं, जब मन करे तब हिसाब किताब बैठा सकते हैं मल्लेच्छ वंश के राजाओं को। अब छत्रसाल के तलवार के बारे में जान लो कि जब इनकी तलवार निकलती है तो उसमें कौन सी चमक होती है, वो वैसा चमक होता है जिस तरह सूर्य की चमक होती है। अंधकार के समय में जब सूर्य निकलता है और सूर्य के पास आप जा, अगर सूर्य के करीब जाएंगे ना तो जल जाएंगे, और वैसे ही छत्रसाल के तलवार के करीब जाएंगे ना तो आप भी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इस तलवार निकलने का मतलब हुआ कि सर्वनाश आपका तय है, विनाश। यहाँ देखिए निकसत मयान ते मयूखे प्रलय भानु कैसी, इसका अर्थ बड़ी शानदार है, थोड़ा सा आपको पढ़ने में परेशानी हो सकता है, समझने में हो सकता है, लेकिन ध्यान से देखिएगा, जो मयूखे वर्ड है इसका मतलब होता है किरण। क्या होता है, किरण, यानी कि जब ये मयान से तलवार को निकालते हैं तो उसमें एक ऐसी तेज ऐसी किरण होती है, किस प्रकार होती है, जिस प्रकार प्रलय भानु, प्रलय भानु का मतलब होता है विनाशकारी किरण, जब सूर्य का विनाशकारी किरण, अगर सूर्य किरण डायरेक्ट आपके शरीर पर पड़ जाए तो आपके शरीर का विनाश हो जाएगा, यानी कि उतना खतरनाक जब ये तलवार निकाल देते हैं तो दुश्मन को देख करके इस तलवार की चमक को जब दुश्मन देखता है तो समझो उनका विनाश हो जाता है, इतना ये क्या होता है, इसमें इतना खतरनाक किरण निकलता है। किरण का मतलब जब भी जैसे ही ये निकला तलवार समझो दुश्मन का विनाश तय है। यहाँ देखो फारे तम तुम से गयानंदन के जाल को, और यहाँ पे देखिएगा और जितने भी, गयानंदन माने होता है हाथी, एक तरह से समझ लीजिए कि हाथी का बहुवचन रूप है, आपकी किताब में दिया है, यानी हाथियों के जो जाल, सॉरी हाथियों के जो जाल से लोग पकड़ के रखे हुए हैं उस सभी को फाड़ देता है। इसका मतलब क्या, कितना भी बड़ा सामने जाल बिछा दो, एक बार जब इनका मयान तलवार से निकल गया तो दुश्मनों का सर्वनाश करके ही वापस इसमें अंदर जाता था। ये चीज था, इनके तलवार इतना खतरनाक था। अगला लाइन में तो और खतरनाक है, जैसे ही तलवार निकलेगा समझ जाओ कि दुश्मनों का गर्दन यहां से गिर गया, समझने का मतलब वो सोच लिया कि अब हार गए, क्योंकि कौन आ गया, छत्रसाल आ गया है, पता है कौन आ गया, छत्रसाल। देखो यहां पे कैसे गर्दन को ले डूबेगा, ठीक है। लागती लपकी कंठ, यानी कि लपक माने लपक लेना, इस तरह यानी पकड़ लेना, जैसे ही इनका मयान तलवार से निकलता है तो बैरन माने होता है, बैर माने होता है दुश्मन, क्या होता है, दुश्मन के गला को, कंठ को लपक लेता है, जिस तरह नागिन ऐसे लपक के मारती है ना, वैसे ही नागिन सा दुश्मनों के कंठ को लपक लेता है, यही कहता है यहाँ पे। देखिए लागती लपकी कंठ वैरी न के नागिन से, नागिन सा जिस तरह नागिन लपक के काटती है, वैसे ही इनका तलवार जब निकलता है ना तो डायरेक्ट दुश्मनों के गले तक ही पहुंचता है, और क्या करता है, और रुद्र ही, और जब दुश्मनों को एकाएक खचाखच खचाखच काटते हैं ना तो पता है उस मुंडक की माला लग जाता है, यानी क्या, इतना ना सर नीचे गिरता है कि उसका एक माला बन जाता है, और उस वक्त छत्रसाल का चेहरा रौद्र के समान हो जाता है। रौद्र माने कि भगवान शिव जब गुस्सा होते थे ना तो रौद्र रूप ले लेते थे, खतरनाक रूप, तो वही बात है, रौद्र रिझावे दे दे मुंडक की माला को, ठीक है, और रौद्र रूप में मुंडक की माला एकदम लगा, पूरा मुंडक का माला लगा देते हैं, यहाँ समझिएगा। अब यहाँ पे कौन, भूषण जी क्या कहते हैं, ये लाइन बड़ी शानदार है, इसको ध्यान से देखिएगा। लाल छतिपार छत्रसाल महाबाहुबली, यानी कि ऐ छितिपाल के लाल, छितिपाल मतलब ऐ धरती के लाल, छत्रसाल महाबाहुबली, बहुत मजबूत हो, एक तरह से समझो बहुत स्ट्रांग हो, ठीक है, कहाँ लो बखान करे, तुम्हारा कहाँ तक हम बखान करें, कितना तारीफ करे तेरी करवाल को, और तुम्हारी तलवार का हम कितना बखान करें, ए धरती के लाल छत्रसाल तुम इतना बाहुबली हो कि तुम्हारा कहाँ तक बखान करे, तुम्हारे तलवार का कहाँ तक बखान करे, कलवार यानी तलवार होता है, ठीक है। अब यहाँ अगला लाइन और लास्ट लाइन देखिएगा, प्रतिभट कटक कटीले केते काटी काटी, काटी काटी माने समझ रहे हो ना, काट देंगे, ऐसे लोग बोलते हैं ना, वही बोल रहा है कि प्रतिभट दुश्मनों के जो भी योद्धा होते हैं,
दुश्मनों के जो भी होता है उनके गर्दन को इस तरह से काटते हैं, इस तरह से समझो जिस तरह बलि चढ़ाया जाता है ना, उस तरह कटक यानी समूह होता है, उनके समूहों को इस तरह से काटते हैं वो, केते काटी काटी कि कलिका सी कलकी कलेउ देती काल को, यानी कलेउ माने होता है भोजन, कलेउ माने का होता है भोजन, आ कलिका का मतलब होता है काली माँ को जानते हो, वो काली माँ दुश्मनों को काट करके माला पहन लेती है, तो उसी तरह से यहाँ भी कहा गया और उनके खूनों को पीती है, तो कलिका सी जो काली जैसी देवी हैं ठीक है उनको कलेवा के रूप में भोजन के रूप में वो सब उनको दिया जाता है, कब गर्दन के सभी गर्दन को काट करके और कलेवा के रूप में भोजन दिया जाता है, इतना खतरनाक उनका तलवार है कि सबके गर्दन को काट के और माता को क्या दिया जाता है भोजन के रूप में कलेवा के रूप में दिया जाता है, वही लिखा है कलिका सी किलकी कलेउ देती काल को, यानी काल समझते हो ना उस समय काली माँ का जिक्र किया गया है, लेकिन ये डीपली नहीं दिया है कि काली माँ का, बस एक ऐसे व्यक्ति एक ऐसे देवी या देवता जो कि भोजन के रूप में यही ग्रहण करते हैं काटा हुआ या बलिदान ग्रहण करते हैं, तो जो भी देव या देवता बलिदान को ग्रहण करते हैं बलिदान यानी कि जो बलि दिया जाता है उसी को भोजन के रूप में डायरेक्ट इनका तलवार ग्रहण करता है, पहले के राजा महाराजा आप जानते हैं क्या करते थे, युद्ध होने से पहले बकरा वकरा का बलि देते, अब बाहुबली नहीं देखे हैं जो भलाल देव होता है, पहले के राजा लोग के पास बड़ी खून होता था, देखे हो ना इस तरह से बाहुबली क्या करता है ऐसे हाथ काट के ऐसे युद्ध की शुरुआत करता है, और उधर क्या है बकरा की भैंस की क्या काटता है कुछ काटता है ठीक है, वो क्या करता है भगवान को भेंट देता है कि हमारी तलवार अभी से खून की प्यासी हुई है, ये चीज़ दिखाया जाता है, तो वैसे ही ये भी गर्दन को काट काट के और यानी कलिका को ये क्या करते हैं भेंट देते हैं भोजन के रूप में कलेवा देते हैं, तो उम्मीद करते हैं कि ये दोनों पैराग्राफ आपको समझ में आया होगा। अब आपसे हम फिर से पूछ रहे हैं कि भूषण जी का जन्म कब हुआ था, अब आप कमेंट में बताइएगा, तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में पूरा का पूरा आया होगा, तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा जितने भी 12 क्लास के विद्यार्थी हैं ताकि उनको अच्छा तरीके से कहानी समझ में आए, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में अगले लेसन के साथ जो 6 लेसन है, तब तक के लिए जय हिंद।